नो, ये चीज़ भूल ना जाओ, इस वजह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्या पॉइंट था? हाँ, क्या नहीं समझ पा रहे थे? इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस टू द लिस्ट। ओके, वैसे हमने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, लाइक ग्रोथ है, सेंस ऑफ सब कुछ है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रेप्लिकेशन है, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। बट और भी प्रॉपर्टीज इसमें लिखी है, लाइक इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस भी प्रॉपर्टी पाई जाती है लिविंग्स में। अब इमरजेंस, लाइक इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस का मतलब क्या होता है? ये बहुत बहुत भसड़, बहुत कंफ्यूजन थी, ठीक है। अब देखो, लाइक हम लोगों को इंट्रैक्शन और इमर्जेंस ये दोनों प्रॉपर्टी भी लिविंग में देखने को मिलती है। कैसे भाई? सपोज दैट जैसे यहाँ पे घाव हो गया, ठीक है। अब घाव हो गया तो यहाँ की स्किन वगैरह हट गई यहाँ पे, तो दैट मीन्स जब स्किन वगैरह यहाँ की हट गई इस पार्ट की, तो दैट मीन्स, कहने का मतलब है एकदम सिंपल सी हिंदी में, बड़े बढ़िया बढ़िया तरफ समझो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या घाव हो गया, तो घाव हो गया यहाँ के ऊपर की सब कुछ, यहाँ पे पार्टिकल सब सारे कुछ घाव ही हो गया, सब कुछ निकल गया, स्किन वगैरह सब बेकार। तो अब क्या हो गए, जब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब एग्रीगेट करेंगे, इमर्ज होंगी। हमने क्या कहा, फिर से समझना, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, ये सब इंट्रैक्ट करेंगे। इंट्रैक्शन का मतलब होता है पास आना, एग्रीगेट होना, इमर्ज होना, समझ रहे हो, एड ऑन होना, एग्रीगेशन होना इन मॉलिक्यूल्स का, इसको ही हम लोग कहते हैं इमर्ज होना या फिर इंट्रैक्ट करना इनका, ठीक है। अब इंट्रैक्ट करना, जैसे कि जब इंट्रैक्ट करेंगे तो सेल ऑर्गेनेल बनेंगे, सेल ऑर्गेनेल बनेंगे तो फिर सेल का फॉर्मेशन, और वही सेल मतलब लिविंग सेल का फॉर्मेशन, वही सेल यहाँ पे जाके भर जाएगी, जिसके कारण हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो एडवांसमेंट है, ये जो क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस प्रॉपर्टी यही होती है। कि भाई जैसे घाव वगैरह हुआ, कि भाई ये भी लिविंग में देखने को मिलता है, कि जैसे घाव वगैरह हो गया तो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में इंट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन इमर्ज होंगे, एग्रीगेट इंट्रैक्ट करेंगे आपस में, इंट्रैक्शन पर पास पास आएंगे, पास पास आए मतलब इंट्रैक्शन हुआ। अब समझ में आया, अब समझ में आया, अब समझ में आया। देखो, इंट्रैक्ट करें, ठीक है, अब आपस में एग्रीगेट करेंगे, इमर्ज होंगे, ठीक है, जिसके कारण लिविंग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिविंग सेल का फॉर्मेशन होने से लिविंग सेल जब बन जाएंगी तो ये घाव भर जाएगा, दैट मीन्स ये भी प्रॉपर्टी लिविंग में पाई जा रही है, दैट मीन्स कहने का मतलब इस चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इज दैट क्लियर? अब बात आई इंट्रैक्शन का मतलब, समझ गए ना? इंट्रैक्शन का मतलब होता है चीज़ों का पास आना, चीज़ों का मिलना। जैसे कि याद करो, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कूलॉम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कहते नहीं, टू अपोजिट चार्जेस इंट्रैक्ट विद ईच अदर। ओके, समझ में आई ये बात? ये बात यार बहुत ही झीले हैं इस पॉइंट में, ये इंट्रैक्ट और इमरजेंस, इतनी मतलब एनसीईआरटी खाली दो वर्ड हैं, दो वर्ड हैं, सोचो, इंट्रैक्ट और इमर्ज, और दोनों ने कम से कम 6-7 घंटे से दिमाग खाया। वो इवन कल भी काफ़ी शाम परेशान थे यार, अभी अब जाके थोड़ा मतलब क्लियर हुआ है। कि अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इंट्रैक्ट एंड इमर्ज, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई, लेकिन इंट्रैक्ट और इमरजेंस समझ नहीं पा रहे थे। तो ये हुआ, जैसे बाय द वे यहाँ पे घाव हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे घाव हो गया तो यहाँ की चीज़ें सेल डैमेज हो गई, सारी मर गई, डैमेज हो गई। तो इस घाव को भरने के लिए जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, सारे सारे क्या होंगे, इंट्रैक्ट होंगे, मतलब आपस में पास आएंगे, ठीक है। अब इंट्रैक्ट होंगे, बाद में क्या होगी, इंट्रैक्ट होकर एग्रीगेट होंगे, आपस में मिलेंगे, आपस में इमर्ज करेंगे, ठीक है। इमर्ज करके लिविंग सेल का फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है, और जब लिविंग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो लिविंग सेल अपने घाव में भर भर जाएगी, वो भर देगी इस घाव को, दैट मीन्स ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों को लिविंग में देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में तो नहीं देखने को मिलती। दैट मीन इमरजेंस प्रॉपर्टी और इंट्रैक्शन, दैट मीन इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस दोनों बोथ प्रॉपर्टी हम लोगों को ये भी लिविंग में देखने को मिलती है, ठीक है। थैंक यू यार, ओके बाय।